विश्वकर्मा फैशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम 38 साइज का कटोरी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये मार्कर जो पिछले वीडियो में हमने ऑनलाइन बाय किया था, आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस टेप का और इसका हम इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो हम नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम बाकी वीडियोस जैसे ड्रेसेस के कट करेंगे तब हम बाकी स्केल का आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 38 साइज़ का कटोरी कटिंग। आज मैं आपको 38 साइज़ का कटोरी कट करके दिखाऊंगी कैसे कट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं 38 साइज़ का कटोरी कटिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले इसमें मार्किंग करेंगे। ये है हमारा 15 इंचेस का, आप ये देख सकते हैं, ये हमने 15 इंचेस का लिया है, आप ये देख सकते हैं। पेपर मैंने 15 इंचेस का लिया है, फुल लेंथ आपका 15 इंचेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मार्किंग करते हैं। आपको नॉर्मल मार्किंग्स पता है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम विस्ट का मार्किंग करेंगे। विस्ट है हमारा 36 इंचेस। 36 को आप 4 टाइम्स डिवाइड कीजिए। 36 इंचेस का हमारा वेस्ट है तो हम 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंचेस। ये आप देख सकते हैं, ये है 9 इंचेस। तो चलिए हम इस पर एक मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारा 9 इंचेस पर हमने मार्किंग कर लिया है। 2 इंचेस एक्स्ट्रा हम कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कटिंग का मार्किंग हो गया, ये हमारा फिटिंग मार्किंग हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लेंथ था 15 इंचेस। ये हमारा लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 इंचेस ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कट कर ऊपर का शोल्डर का मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर का मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर का मार्किंग करना होगा। ये हम कटोरी कटिंग कर रहे हैं इसलिए फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखिए, इसमें आपको ये जो चीज़ है शोल्डर, सबको बहुत गिरने का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हम बोट नेक नहीं है, इसलिए हम ये थोड़ा सा अंदर की साइड लेंगे। 1.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। ये हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये आपका फ्रंट लेंथ है, हम फ्रंट साइड बना रहे हैं, बैक साइड तो हम नॉर्मली कट कर सकते हैं। ये हम बनाएंगे 6 इंचेस का हमारा नेक है, हम 5.5 इंचेस लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स स्टिच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 इंचेस का हो जाएगा। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 3 इंचेस का। ये हम मार्क कर लेते हैं और ये आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। इसे आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ये देखिए, अब आप यहाँ से राउंड शेप दे दीजिए। ये हो गया हमारा नेक पार्ट और वेस्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, हम बनाएंगे हमारा शोल्डर पार्ट। शोल्डर पार्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें जो 1/2 इंच है नीचे की साइड लेना है यहाँ से। ये हमारा 1/2 इंचेस है। और फ्रेंड्स, अब हमें बर्स्ट का मार्किंग करना है। तो बर्स्ट का मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ से नीचे लेना है 5.5 इंचेस आर्म होल के लिए। ये है 5.5 इंचेस। यहाँ पर इसे हम स्ट्रेट कर लेते हैं। हल्का सामने क्रॉस लिया है, ये हमारा 5.5 इंचेस है।
और अब हम बनाएंगे हमारा बस्ट का मार्किंग। बस्ट का मार्किंग बनाने के लिए हमें यहाँ से बनाएंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से बस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। बस्ट है हमारा 9.5 इंचेस, 9.5 इंचेस है। 38 को हम 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंचेस आ जाएगा। ये हमारा बस्ट पॉइंट है, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से, ये हम यहाँ से यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा, यहाँ से 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ये हमारा फिटिंग है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम इस तरीके से ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मार्किंग्स। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें आर्म होल बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए आर्म होल ईजीली ड्रॉ करने के लिए है। ये आप यहाँ से इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से इस तरीके से हमारा आर्म होल है। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये था नॉर्मल मार्किंग। तो चलिए अब हम इसमें कटोरी की कटिंग करके दिखाते हैं आपको। अब फ्रेंड्स हम इसका मार्किंग लेंगे। ये है हमारा 3.5 इंचेस, यहाँ से हम इधर 3.5 इंचेस ले लेंगे। ये देखिए 3.5 इंचेस, यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया है, हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम कटोरी की मार्किंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमें ये दोनों का मेजरमेंट लेना होगा। ये दोनों का मेजरमेंट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इंचेस, 6.5 हो जाएगा 3 इंचेस। तो हम इसे 3 पर मार्किंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ से 6.5 इंचेस लेना है, यहाँ पर हम 6.5 इंचेस ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से 3 इंचेस पर मार्क करना है। यहाँ से इस तरह से मेजर करके 3 इंचेस पर हम इसे मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से भी 6 इंचेस लेना है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से 6 इंचेस लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इसे ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, तो मैं आपको इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आप इसे पूरा ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आपको इसका मेजरमेंट करना है, इसका और इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे बढ़ा कर दिखाएंगे। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको इसे बढ़ा कर दिखाती हूँ। उसके लिए आपको एक और पेपर लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस न्यू पेपर पर ले लिया है, ये वाला कटोरी। इसे हम बड़ा करके दिखाएंगे, इसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसे बड़ा करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स हम अपना मेजरिंग टेप ले लेंगे। एज यूजुअल हम इधर यहाँ से 1.5 इंचेस यहाँ से बढ़ाएंगे, 1.5 इंचेस हम यहाँ से बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1.5 इंचेस बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, ये हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है। हम यहाँ पर 1.5 इंचेस बढ़ाएंगे, पहले हम इसे बढ़ा लेते हैं उसके बाद हम 1.5 इंचेस बढ़ाएंगे। आपको पहले ये और ये मार्किंग करना है 3। इसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। हमने इसे और इसे जोड़ लिया है। फ्रेंड्स अब हम थोड़ा नीचे 1.5 इंचेस से इसे हम फिर से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कर्व, जैसे जैसे जा रहा है
आप चाहें तो इसका मेजरमेंट ले सकते हैं हाफ ऑफ इंचेस से। इस तरीके से आपको यहाँ तक इस तरह से बढ़ाना है। यहाँ पर मेरा हल्का सा पेपर कम है, इसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें यहाँ तक ले जाना है, तो चलिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको इस तरीके से करना है। और फ्रेंड्स हमें ये इस तरीके से, आप इसे रूलर से कर सकते हैं, इसे आप कर्व से कर सकते हैं, स्केल से मैंने हाथ से ही कर लिया। और इसे भी आप इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। ये हमें सिर्फ हाफ इंच से ही रखना है यहाँ पर, तो इसे हम थोड़ा सा और अंदर की साइड कर लेते हैं। इसे हम इस तरीके से रखेंगे। और अब फ्रेंड्स हमें ये भी हाफ इंचेस बढ़ाना है ये, तो इसे हम अब मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये जो 1.5 इंचेस है, इसे हमें इसे इससे जोड़ना है। इसे इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। ये हमारा हो जाएगा मिड मार्किंग, ये हमारा मार्किंग है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम इस तरीके, अब फ्रेंड्स हमें इसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है, तो चलिए हम इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम रखेंगे 2.5 इंचेस। ये है 2.5 इंचेस। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट वाला मार्किंग है। अब हम यहाँ से 1.5 इंचेस इस लाइन से, यहाँ से 1.5 इंचेस एक लेंगे और 1.5 इंचेस हम यहाँ से लेंगे, जो हमने बढ़ाया है यहाँ और यहाँ पर, वो इस इन दोनों में कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। अब ये आपका परफेक्ट रेडी है क्लोथ पे कटने के लिए। फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप इसको मोड़ेंगे तो ये अच्छा लुक करेगा। मैं आपको ये मोड़ कर भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कितना नाइस लुक कर रहा है। ये बन गई हमारी कटोरी, ये देखिए कितना नाइस लुक कर रहा है। मैंने इसे मोड़ कर आपको दिखाया है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।